आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में सो so, रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है इसका प्रोसीजर क्या होता है सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लस मैंसिनी ऐसे मैंसिनी ऐसे जो था जो कि हमारे पास में सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन का टेक्निक है वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो मैंसिनी मेथड जो था और जो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके कॉम्बिनेशन से क्या बना रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो यहां पे इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है प्रेसिपिटेशन इन अगार अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब एंटीजन और एंटीबॉडी इंट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रेसिपिटे प्रेसिपिटिन बोलते हैं प्रेसिपिटेशन बोलते हैं जेल के अंदर होगा और इलेक्ट्रोफोरिस यानी कि अंडर इलेक्ट्रिक फील होगा तो इसको बोलते हैं इम्यूनो सो so, यहाँ पर क्या होता है एंटीजन जो है वेल्स में से वो मूव करेगा इलेक्ट्रोफोरेटिकली इनटू द अगार जेल जिसके अंदर की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होंगी जिससे कि आपको रॉकेट शेप का प्रेसिपिटेट मिलेगा अभी आपको तब समझ आएगा जब हम डायग्राम पे चलेंगे सो लेट्स कम ऑन टू द डायग्राम अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास में एंटीजन वेल्स हैं ये सबसे पहले आप देखो कि ये पूरा हमारे पास क्या है एंटीबॉडीज़ है इन जेल ये जेल क्या है आपका एगरॉज जेल है दिस इज़ द एग्रोस जेल तो इस जेल के अंदर क्या है एंटीबॉडीज़ हैं अब यहाँ पे नीचे हमारे पास में क्या है वेल्स हैं एंटीजन वेल्स हैं अब इन एंटीजन वेल्स में हमने एंटीजन को लोड करा जो भी आपका एंटीजन है सैम्पल एंटीजन है उसको हमने यहाँ पर लोड करा अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पे क्या हो रहा है जो एंटीजन है वो यहाँ पे क्या करेगा माइग्रेट करेगा इस तरीके से ऊपर जाएगा मूव करेगा यहाँ पर यहाँ पे क्या होगा जो एंटीजन है वो वेल्स में से इस तरीके से मूव करेगा जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी और यहाँ पे क्या है यहाँ पे जेल में क्या थी एंटीबॉडीज थी तो ये जो एंटीजन था वो ऊपर जा रहा है और ये एंटीबॉडी के साथ में इंटरेक्ट करेगा एंटीजन एंटीबॉडी के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंड आपको प्रेसिपिटिन आर्क मिलेगी ये क्या है हमारी प्रेसिपिटिन आर्क प्रेसिपिटिन आर्क क्या होती है जब आपको एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं प्रेसिपिटिन आर्क बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या स्टेप्स होंगे देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है जो एंटीजन है वो माइग्रेट करेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू द एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल इस जेल में क्या है एंटीबॉडी है तो ये एंटीजन जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा इमिजिएटली आपका एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगी रिएक्ट कर लेगी और क्या बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर की ओर माइग्रेट करेगा ये जो माइग्रेशन है वो कहाँ पे स्टॉप होएगी अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपका बना है ये ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है लेकिन यहाँ पे आके वो स्टॉप हो गया यहीं पे आके क्यों स्टॉप हुआ ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है इट कॉन्टीन्यूज टू माइग्रेट लेकिन ये जो माइग्रेशन है वो स्टॉप हो जाती है कम्प्लीटली वेन द अग्रीगेट बिकम्स मतलब ये आपका जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स था एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स था जो कि हमारा अग्रीगेट है जब इसका साइज़ जो आपका जेल है उसके अंदर क्या होते हैं पोर्स होते हैं ना, जैसे एगरॉज जेल है उसके अंदर पोर्स होते हैं जब इसका साइज़ उन पोर्ज से बड़ा हो जाता है तो वो उसके थ्रू पास नहीं कर पाएगा एंड वो वहीं पर रुक जाएगा सो इम्यून कॉम्प्लेक्स इट स्टॉप्स माइग्रेशन वेन अग्रीगेट और द इम्यून कॉम्प्लेक्स का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा इट बिकम्स लार्ज इनफ टू बी रिटेन बाय द पोर्स थ्रू विच दे के नॉट पास अब उनका जो साइज़ है वो उस जेल के पोर्स से बड़ा हो चुका है तो वो आगे माइग्रेट नहीं कर पाएगा और ये यहीं पे रुक जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है यहाँ पे देखिए ये हमारे पास और एंटीजनज है ये भी ऐसे ही ऊपर की तरफ मूव करेंगे ये भी इस तरीके से मूव करेगा एंड आपको कैसी रॉकेट की जैसे आपको आर्क मिल रही है जहाँ पे ये स्टॉप कर जाएंगे इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रेसिपिटिन लाइन प्रेसिपिटिन लाइन और ये इसकी शेप कैसी है रॉकेट जैसी है रॉकेट जैसी है अब हम क्या करते हैं ये जो डिस्टेंस है From starting well to the front of the rocket shape arc, मतलब ये जो well है आपका और ये जो rocket की arc आपको मिली है, इसका जो distance है, उसको measure करते हैं। And that is related to the antigen concentration. वो ये जो distance है ये क्या? Antigen concentration से related है। So height of each rocket is directly proportional to concentration. ऑफ एंटीजन इन द वेल तो यहाँ पे देखिए जो आपका स्टार्टिंग वाला है जो स्टार्टिंग वाली आर्क है वो आपको कितनी कम डिस्टेंस पे मिल रही है डिस्टेंस छोटा है इसका मतलब एंटीजन का कंसंट्रेशन सबसे कम है और लास्ट वाले में देखिए डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है इसका मतलब एंटीजन का कंसेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है सो so जो हाइट है हर रॉकेट की दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना कॉन्सेंट्रेशन है एंटीजन का इन द well so now coming on to the definition so यहाँ पे क्या होता है एंटीजन antigen from the wells they move electrophoretically into the agar gel or the एग रोज जेल विच कंटेन स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड इससे हमें क्या मिल रही थी रॉकेट शेप का प्रेसिपिटेट मिल रहा था प्रेसिपटेन कर्व्स मिल रहे थे आर्क्स मिल रही थी और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीजन कितना है वेल्स में उस रॉकेट के हाइट से मतलब कितना डिस्टेंस है एंटीजन का जो वेल well है और जो आपको रॉकेट की आर्क मिली है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है उससे हम एंटीजन कंसेंट्रेशन पता कर सकते हैं सो दैट इज ऑल अबाउट रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरिस क्रॉस्ड इम्यूनो एंड काउंटर इम्यूनो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप चेक कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे